हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिलेखों और उनसे संबंधित शासकों के बारे में कि कौन सा अभिलेख कहां पर है, किसने बनवाया और क्यों बनवाया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आर्ट के एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अभिलेख होते क्या हैं, किसे अभिलेख बोला जाता है। तो स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, जो स्तंभ होते हैं या फिर पत्थर होते हैं, ठीक है, ताम्र जो पत्र होते हैं उन पर, मुद्राओं पर, मूर्तियों पर या फिर मंदिरों की जो दीवारों पर कोई भी जो लेख बनवाया जाता है वो किसी कुछ एक मैसेज टाइप होता है। ठीक है, तो उसको अभिलेख बोला जाता है। पुराने टाइम में जब एक दूसरे को, ये मतलब बाकी जो लोग हैं उनको कोई संदेश देना होता था राजा को, तो वो एक टाइप से एक संदेश होता था, एक मैसेज होता था, ताकि वो ऐसी जगह पर वो लोग बनवा देते थे, जैसे कोई शिलाखंड है वहाँ पर, कोई चट्टान है उसके ऊपर खुदवा देते थे ताकि आते जाते हुए सब उसे पढ़ सकें। उसके बाद देखिए शिलालेख जो है, शिलालेख का मतलब होता है शिलाओं पर खुदे हुए। ठीक है, अभिलेख जो होते हैं वो किसी पर भी खुदवाए जा सकते हैं, किसी पर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो शिलालेख है वो प्रॉपरली जो चट्टाने होती हैं, शिला बड़ी बड़ी जो पत्थर होते हैं उन पर ये लिखे होते हैं। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो पूरा लेखा शास्त्र कहलाता है। ये एक एग्ज़ाम में आया था अभी ये क्वेश्चन, मुझे इतना याद नहीं है कौन से एग्ज़ाम में आया था, लेकिन आर्ट के ही किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। भारत के प्राचीन अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्ठी, खरोष्ठी है, ठीक है, खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तो ये दो आप याद रखिएगा। इसकी जो लिपि है, लिपि आपसे पूछा जाए तो ब्राह्मी और खरोष्ठी है। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत और पाली भाषा में हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। लिपि अगर आपसे पूछी जाए तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, कई बार पूछी जा चुकी है। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, तो प्राकृत और पाली दोनों ही भाषाओं में इनके अभिलेख होंगे। शुंगकालीन जो अभिलेख है उनमें संस्कृत का प्रयोग किया जाने लगा था। सबसे पुराने अभिलेख की अगर हम बात करें तो वो बागजगोई अभिलेख है। हालांकि जो ये अभिलेख है, अच्छा आगे पढ़ेंगे, चलो, इसका जो निर्माण है वो मितनवी शासकों द्वारा करवाया था, इसलिए इसे मितनवी अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, मितनवी शासकों द्वारा करवाया इसलिए इसे मितनवी अभिलेख भी बोलते हैं। यह अभिलेख जो है वो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख भारत में नहीं है, किंतु उसने जो है भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है, इसीलिए ये जो अभिलेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है या हो जाता है। भारत की अगर हम भारत के दे तो भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो है वो हड़प्पा काल का माना जाता है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब जो हड़प्पा की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक के थे। सम्राट अशोक ने जो है सबसे ज़्यादा अभिलेखों का निर्माण करवाया था। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यों जो सम्राट अशोक के उन्होंने अभिलेखों का निर्माण क्यों करवाया था, तो ये उन्होंने करवाया था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और वो सभी जो उन्होंने अभिलेख खुदवाए थे, लिखवाए थे, वो उन्होंने ऐसे सार्वजनिक जगह पर रखे थे ताकि जहाँ पर भीड़ रहती हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आवागमन हो, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। तो सम्राट अशोक का पठनीय अभिलेख था, जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। कई जगह पर 1838 भी इसका जो हमें देखने को मिलता है, सन। सर्वाधिक अभिलेख जो है मैसूर में पुरालेख शास्त्र के कार्यालय में संग्रहित हैं। अशोक के अभिलेखों का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये, एक बार DSSB में भी आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, तो हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था, खुदवाया गया था। तो राजा खारवेल के विजय अभियान का इसमें हमें वर्णन जो है वो देखने को
मिलता है और ये एक तिथि रहित अभिलेख है। जूनागढ़ या फिर गिरनार का, ये गुजरात में है, ठीक है। जूनागढ़ या गिरनार कुछ भी नाम आए, दोनों सेम ही हैं, तो आप दोनों ही नाम याद रखिएगा। ये रुद्रदामन के द्वारा बनवाया और रुद्रदामन के व्यक्तित्व से संबंधित ये अभिलेख है। नासिक का अभिलेख जो है वो गौतमी वल्लभश्री, प्रयाग स्तंभ जो है, या प्रयाग स्तंभ या फिर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त के द्वारा, इसमें समुद्रगुप्त के इसे जो है वो समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन द्वारा लिखा गया था। ऐहोल का अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐहोल का अभिलेख। देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ वही नोट डाउन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं या जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही देख लीजिए तो ये काफ़ी होगा। उसके बाद है ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन सेकंड के समय का है, चालुक्य पुलकेशिन की, इसमें चालुक्य जो शासक थे, ये पुलकेशिन जो है वो चालुक्य शासक थे, और इस अभिलेख में पुलकेशिन की विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है मंदसौर अभिलेख, ये यशोवर्मन का है जो कि मालवा नरेश थे। इसके आरंभ में, अच्छा ये जो अभिलेख है इसके आरंभ में जो शिव शंकर है उसकी जय घोष की गई है। उसके बाद आ जाता है ग्वालियर अभिलेख, जिसको कि प्रतिहार नरेश भोज ने बनवाया। भीतर गांव या फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख, दोनों एक ही नाम है, ये स्कंदगुप्त के द्वारा, और इसमें जो है वो स्कंदगुप्त और हूणों के आक्रमण का वर्णन किया गया है। देवपाड़ा या फिर विजयसेन, इसमें बंग शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त के द्वारा बनवाया गया है, भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का इसमें वर्णन किया गया है। माशकी का जो है वो अशोक, गुज्जर अभिलेख भी अशोक के द्वारा। बेशनगर का गरुड़ स्तंभ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यवन राजदूत हेलियोडोरस के भागवत धर्म स्वीकार करने का वर्णन मिलता है, वो है बेशनगर का गरुड़ स्तंभ में। उसके बाद आ जाता है मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख, तो ये जो है दिल्ली में है, और इसमें महाराजा चंद्र जो गुप्त थे उनका, महाराजा चंद्र का इसमें उल्लेख है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो चंद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही AMRS के लिए और DSSSB की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द AMRS के फॉर्म फिल होने हो चुके हैं, और DSSSB की भी जो TGT की वैकेंसी है वो आने वाली है, तो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। और आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो जो इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके साथ, और चैनल पर बने रहें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।